पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, ऐसा तो कोई बेवकूफ ही कर सकता है। पर सियासत के पुराने खिलाड़ी प्रेमचंद गुड्डू से तो ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन गुड्डू ने कुछ ऐसा ही काम किया है जिसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि भाई तालाब भले ही अपना हो लेकिन अपने से तगड़े खिलाड़ी से पंगा नहीं लेते। इंदौर में गुड्डू भैया के नाम से फेमस पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू फिलहाल बीजेपी का हिस्सा ही है, लेकिन यहाँ रहकर ही वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो उनकी बगावत एक कदम आगे बढ़ते हुए मैदान में भी पहुंच चुकी है, जहां वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सिंधिया और सिलावट को हराना है। केवल इतना ही नहीं, ये ऐलान भी कर दिया है कि वो खुद सिलावट को चुनौती देंगे। आलाकमान को इसकी भनक लगी तो गुड्डू भैया पर तुरंत कार्रवाई हो गई। गुड्डू भैया को 7 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी कर दिया गया। वैसे तो ये खबर तेजी से फैली हुई है कि गुड्डू भैया वापस कांग्रेस में जाकर वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, पर भाई समझदारी तो इसमें थी कि पहले गुड्डू भैया कांग्रेस ज्वाइन कर लेते, फिर सिलावट के खिलाफ मोर्चा खोलते। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टियों की इस गफलत में गुड्डू भैया न घर के रहें न घाट के।